गुरुग्राम के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दो दिन से हड़ताल पर है। कर्मचारियों ने इसे तीन दिन और बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके बाद शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर हड़ताल का असर सड़कों पर देखा जा सकता है। दरअसल क्या है कि हमने ना अपना हड़ताल का नोटिस निगम कमिश्नर को सौंपा था और हमने समय दिया था, 8 मई को हमने अपना नोटिस दिया था और काफ़ी समय था। उस समय को इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। अगर समय रहते हुए ये हम गंभीरता से ले लेते और हमारे को वार्ता के लिए टेबल पे बुला लेते, हो सकता है समझौता वार्ता के माध्यम से हो जाता। लेकिन इन्होंने हमारे जो है कि टेम्परेचर को नापने की कोशिश की है और इन्होंने खुद चाह करके हमें मजबूर किया है कि ये लोग हड़ताल पर जाएं। उसी क्रम में हम लोग 23 तारीख से मई से हड़ताल पर चले गए हैं और दो दिवसीय हड़ताल की है और फिर आज 25 तारीख होगी है। कल 24 तारीख को हमने अपने कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके ये निर्णय लिया है कि आगामी हमने क्या रणनीति तैयार करनी चाहिए। तो तमाम कार्यकारिणी ने ये फैसला लिया है कि इस हड़ताल को तीन दिन के लिए और बढ़ा दिया जाए। दरअसल इससे पहले भी कई बार नगर निगम कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके बाद गुरुग्राम के तकरीबन 7,000 सफाई कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की माने तो उनकी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, सभी की तनख्वाह समय पर आए, डीसी रेट पर भर्ती की जाए, साथ ही कर्मचारियों का बैठने का स्थान निर्धारित किया जाए। कारण तो हमने आपके माध्यम से पहले भी बता चुके हैं कि नगर निगम गुड़गांव में जो ये अपने अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब है, ये कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। हम लगातार 90 दिन से धरना चला रहे हैं, झाड़ू प्रदर्शन कर रहे हैं और हार करके अब हम हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछले दो दिन लगातार हड़ताल कर दी। हमारी मांग है कि गुड़गांव नगर निगम क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से 25 लाख की आबादी होती है, इसमें 6,500 सफाई कर्मचारियों के नए पद सृजित किया जाए और जो ये नगर निगम को दोनों हाथों से लूटने के लिए जो वर्क आउटसोर्स का जो सफाई का कार्य का जो ठेका दिया जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। वहीं बीते काफी लंबे समय से नगर निगम कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद अब ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील करने की चेतावनी लगातार प्रदर्शनकारी दे रही है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। टोटल टीवी के लिए गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट।